देखिए ये हमारा एक क्वेश्चन है क्या है, लेट एक्स टी बी अ यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस। एक्स टी कोई एक यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस है और एक्स दिया हुआ है जीरो से लेके जीरो और वन बाई फोर, ठीक इंटरवल दिया हुआ है। देन सो दैट द मैपिंग, मैपिंग हमें दिखाना है क्या कि देखिए ये फंक्शन हमारा टी क्या हो रहा है, एक्स से एक्स की ओर जा रहा है, डिफाइन बाई किस तरह से हो रहा है कि टी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा। जहाँ पे टी ऑफ एक्स होगा वहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, जहाँ पे टी ऑफ वाई होगा वहाँ पे हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स में कैपिटल एक्स में बिलोंग कर रहा है, मीन्स इसमें मैट्रिक्स में यूजुअल मैट्रिक्स, देखिए मैट्रिक्स में कर रहे हैं। देन इज कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग, हमें प्रूफ करना है कि ये हमारा कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग होगा, इस तरह से डिफाइन होगा और ये हमारा कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग होगा, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले पता होना चाहिए यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस क्या होता है। तो यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस क्या होता है इसका देखिए, चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं। इसमें बताते हैं कि यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस क्या होता है। वी हैव यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस मींस क्या हो गया कि डी ऑफ एक्स वाई जो होगा ना वो इक्वल टू क्या होगा एक्स माइनस वाई का, देखिए ये हमारा मोड, ये होता है हमारा यूजुअल मैट्रिक्स। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग करेगा कहाँ पे, देखिए ये हमारा एक्स है मीन्स मैट्रिक्स स्पेस, यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस, तो मैट्रिक्स स्पेस एक्स में बिलोंग करेगा ये, ठीक है। देन तो फिर क्या होगा, नाउ हमें प्रूफ क्या करना रहता है, कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग। तो कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग मीन्स क्या हो गया कि देखिए जैसे कि डी और टी ऑफ एक्स और टी ऑफ वाई, ठीक है, ये हमारा लेस देन इक्वल होना चाहिए अल्फा डी एक्स वाई से, यही हमें प्रूफ करना है, तो हो जाएगा हमारा कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग, ठीक। तो देखिए यहाँ से हम लेके चलेंगे, इस जगह से लेके चलेंगे और दिखा देंगे कि इस तरह से हमारा आ रहा है रिजल्ट, तो हो जाएगा हमारा प्रूफ। देखिए नाउ डी टी ऑफ एक्स और टी ऑफ वाई यहाँ से लेके चल रहे, ठीक, तो इक्वल टू क्या होगा, देखिए जैसे कि हमारा यहाँ पे था यूजुअल मैट्रिक्स, तो डी एक्स वाई था, तो एक्स वाई की जगह पे क्या टी ऑफ एक्स और टी ऑफ वाई नहीं है, देखिए टी ऑफ एक्स सेम और टी ऑफ वाई, तो ये दोनों को हम मोड में लिख सकते हैं, तो ऐसा ही हो जाएगा टी ऑफ एक्स होगा माइनस यहाँ पे टी ऑफ वाई जो कि इसका मोड हो जाएगा, देखिए टी ऑफ एक्स और टी ऑफ वाई इसका मोड हो गया, जैसे कि यूजुअल मैट्रिक्स में जैसे हुआ वैसे ही एज इट इज इसमें भी हो गया। देन टी ऑफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए टी ऑफ एक्स को यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, t of x equal to x square, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि x square minus यहाँ पे y square, देखिए क्योंकि t of y को भी तो y square लिख सकते हैं इसी के फॉर्मेट में, तो ये हो गया हमारा। देन ये क्या a square minus b square के फॉर्मेट में नहीं दिख रहा है, a square minus b square, तो a minus b, a plus b, वही हम लिखेंगे a minus b means ये, और फिर यहाँ पे क्या कि a plus b, देखिए ये हो गया हमारा, ठीक। देन अब हम क्या करने वाले हैं कि a माइनस बी तो एज इट इज रहेगा, लेकिन यहाँ जो होता है पॉजिटिव वाला जो मोड होता है वो क्या होता है कि एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि a प्लस बी हुआ ना, a प्लस बी का मोड, इसको अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो क्या होता है कि ये हमारा लेस देन इक्वल हो जाता है और a का मोड प्लस b का मोड ऐसे होता है, देखिए ये मोड में है फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसको, x प्लस वाई को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या होगा, इक्वल टू देखिए x माइनस वाई का मोड, ये तो एज इट इज रहेगा, ठीक, और ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो क्या होगा यहाँ पे, और देखिए लेस देन इक्वल होगा तो यहाँ पे हम लेस देन इक्वल यहीं पे डालेंगे, ठीक, और यहाँ पे x का मोड हो जाएगा प्लस यहाँ पे y का मोड हो जाएगा, इसको हम ब्रैकेट में रख लेते हैं, ठीक। देन देखिए ये इक्वल टू क्या हो रहा है, ये इक्वल टू x माइनस वाई हो जाएगा, इसका मोड तो है ही। अब x और y का वैल्यू पुट करेंगे कहाँ से, 1 बाई फोर और 1 बाई फोर, वो लास्ट वाला टर्म जो है वो तो 1 बाई फोर प्लस यहाँ पे 1 बाई फोर, तो क्या हो जा रहा है यहाँ पे 2 बाई फोर, 2 बाई फोर का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट होगा ना, तो 1 बाई टू हो जाएगा, तो 1 बाई टू दिस इज इक्वल टू 1 बाई टू और x माइनस वाई का देखिए मोड हो जाएगा, ठीक। देन 1 बाई टू क्या दिख रहा है आपको, 1 बाई टू जो है हमारा वो अल्फा के जगह पे नहीं आ गया है 1 बाई टू, जैसे कि हमें यहाँ पे ऐसा प्रूफ करना था टी, देखिए डी टी ऑफ एक्स और टी ऑफ वाई लेस देन इक्वल टू क्या कि अल्फा डी एक्स वाई, तो अल्फा के जगह पे देखिए क्या आ गया कि 1 बाई टू और x माइनस वाई यहाँ पे है, तो x माइनस वाई आपको दिख रहा है क्या, x माइनस वाई का मोड देखिए क्या है वैल्यू डी एक्स वाई है यहाँ पे, देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं यूजुअल मैट्रिक्स, यहाँ से हम इसका वैल्यू लिख सकते हैं, तो एज इट इज उसी तक टाइप का हो जा रहा है, तो वही एक्चुअली में हमें प्रूफ करना था कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग, तो चलिए लिखते हैं इसको।
ठीक है, क्या कि डी टी ऑफ एक्स और टी ऑफ वाई, ठीक है, ये हो गया इक्वल टू क्या हो गया 1/2, और यहाँ पे लेते टी एक्स वाई, देखिए नहीं एज इट इज फॉर्मेट हो गया इस टाइप का, सिर्फ अल्फा की जगह पे ये 1/2 हमारा आ चुका है और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि ये तो हो गया, देन लिखेंगे हेयर ये जो 1/2 है, तो 1/2 किसे इसके बीच में, ये लेस देन 1 है, 1 से तो छोटा है ही, और यहाँ पे अल्फा लिख सकते हैं और लेस देन 0 इस टाइप का लिख सकते हैं। एंड और क्या लिख सकते हैं कि अल्फा इक्वल टू 1/2 ये भी लिख सकते हैं, ठीक। देन लिखेंगे हेंस टी इज क्या है, कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग, कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग ऑन एक्स प्रूफ हो गया, हेंस हमारा थ्योरम प्रूफ हो गया कंप्लीटली। बस इतना ही इजी था थ्योरम।